सिद्धार्थ नगर की, जहां पिता की खुदकुशी और भय के साए में 8 बेटियां जीने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि सिद्धार्थ नगर के थाना डुमरियागंज क्षेत्र के ग्राम टंडवा में हाजी अनीस ने 22 मई को अपने घर पर एक सुसाइड नोट लिखकर खुदकुशी कर ली थी, जिसका जिम्मेदार उन्होंने दो नामजद और कई अन्य को बताया था। मृतक की बेटी ने बताया कि आए दिन मुलजमीन का उनके पिता के साथ झगड़ा होता रहता था, इसी कारण से उनके पिता परेशान रहा करते थे। इस केस में पुलिस कितनी सक्रिय है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पुलिस ने अभी तक कार्यवाही के नाम पर सिर्फ एक आदमी के नाम FIR लिखी है, मगर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामले में हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को सारी सामग्री बगैर CO कार्यालय के स्टाम्प के भेजी गई थी, जिसके कारण पुलिस की कार्यशैली पर क्षेत्र में कानाफूसी होने लगी है। पीड़ित को सरकार पर पूरा भरोसा है, मगर अभी तक कोई खास कार्यवाही नहीं हुई, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार और DGP का सख्त निर्देश है कि फरियादी की बात सुनी जाए और तत्काल कार्यवाही की जाए, मगर डुमरियागंज पुलिस एक माह से भी अधिक समय गवा देने के बाद भी सुसाइड नोट की जांच नहीं कर पाई है, जिसके कारण संभव ये भी है कि अधिक समय देने के कारण आरोपित को बचने का मौका मिल जाएगा। जब इस संबंध में पुलिस अधीक्षक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह सब विवेचना का पार्ट है, जांच होने के बाद विधिक कार्यवाही की जाएगी। Viral 24 के सिद्धार्थ नगर से नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। जी, कार्रवाई तो कर रही है, जब हमने FIR दर्ज किया था तो उसके बाद तो पुलिस हमारे पास आई, कई बार आई, हमने FIR किया है, SP से भी मिले सबसे, तो वो लोग भी यही बोल रहे हैं कि चाहे मतलब जल्दी हो या देर हो, लेकिन उनको गिरफ्तार हम करेंगे, कार्रवाई जो होती है वो करेंगे, लेकिन डिले बहुत कर रहे हैं, क्योंकि एक महीने से ज़्यादा हो गया है, वो लोग अभी तक फरार हैं। कौन से लोग इसमें शामिल थे? मोहम्मद शफी, अब्दुल कयूम उर्फ बंटी। अच्छा, एक बात ये बताइए कि जैसे एक महीना हो गया, पुलिस अपना तो काम कर ही रही है, लेकिन क्या पुलिस की कार्रवाई से आप लोग खुश हैं या कुछ अंदेशा इसमें? जी, अंदेशा तो है। किस तरह का, उसको डिटेल्स में बताइए। जी, अंदेशा ये है कि मतलब अभी तक इतना वक्त हो गया है तो कुछ मतलब हो नहीं रहा है, और एक बार सुसाइड नोट वो करने बोले मैच, हैंड राइटिंग मैच करने के लिए, फिर 15 दिन के बाद बोले थे कि हैंड राइटिंग मैच करके आ जाएगी, 15 दिन बाद जब गए वापस हम लोग तो वहाँ SP से वहाँ पता चला कि हैंड राइटिंग नहीं मैच हुई, वापस आ गया है, तो वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि CO का स्टाम्प नहीं लगा था, तो फिर 15 दिन तो उसमें उन्होंने ये ख़राब कर दिया, हमारा टाइम वेस्ट किया। फिर अब उस दिन जब SP से मिले तो फिर वो गए कि हाँ, फिर उन्होंने फिर से भेजा है सुसाइड नोट मैच होने के लिए, तो अब जब सुसाइड नोट मैच होके आ जाएगी तब वो बोले हैं कि जैसे ही सुसाइड नोट मैच होके आ जाता है वैसे ही हम कार्रवाई शुरू कर देंगे, उन्हें गिरफ्तार करेंगे। तो इसके उससे तो हम लोग को पूरा यकीन है कि हाँ, अगर आ जाती है सुसाइड नोट वो मैच होके, तो जब जिस तरह से उन्होंने कहा है कि सुसाइड नोट मैच होके वो आ जाएगी तो हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे ही करेंगे, और उनको सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, तो बस हमें इसी बात को बस वो करना है कि हाँ, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अगर यहाँ से इंसाफ नहीं मिला तो फिर आप क्या करेंगे? जी, हमें अगर यहाँ से इंसाफ नहीं मिला तो हम योगी जी से वो रुजू करेंगे, उनसे इंसाफ के वो करेंगे कि वो हमें इंसाफ दिलाएं। उनकी सरकार है, उनकी सरकार में काफ़ी कानून व्यवस्था बहुत कठोर हो गई है ना आजकल, तो जैसे कानून व्यवस्था कठोर है तो धारा 306 के तहत जो भी होता है तो उस हिसाब से उस मुलजिम पे तो वो कार्रवाई करें, उसको गिरफ्तार करें, उसको जो भी सज़ा देनी चाहिए वो सज़ा मिले, और मेरे फादर को इंसाफ मिले। एक बात ये बताइए कि क्या विवाद था, ज़मीनों का जो विवाद था वो कोई क्रीम जगह थी या कुछ और? नहीं, विवाद तो ये था कि जैसे मेरे जो दादा थे वो उनके एक बेटे थे मेरे अब्बू, और जो मेरे बड़े दादा थे उनके 7 बेटे थे, तो उन्हें जैसे कई 22 तारीख को एक आदमी खुदकशी करता है, 23 तारीख में FIR लिखी जाती है, उसमें एक नाम मेंशन किया जाता है और बाकी सुसाइड नोट में जो नाम हो को छोड़ दिए जाते हैं। पुलिस की कार प्रणाली ऐसा क्यों है सर? इस उप प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत है और इसमें विवेचना प्रचलित है, जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई फोन करेंगे। अभी तक तो उनके हैंड राइटिंग मैच के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भेजना जाना चाहता है, वो एक महीने के बाद 22/6 को, यानी 22 आदमी 22 तारीख को खुदकशी कर रहा और 22/6 को भेजा जा रहा है, इतना लेट। इसमें ये विवेचना का पार्ट है, जो भी विवेचना में साक्ष्य संकलित किए जाते हैं वो नियमानुसार जो भी
अन्य जांच एजेंसी को भेजा जाना होता है तो भेजा जाता है, उसके अनुसार कार्रवाई करते हैं।